भूपेश बघेल सरकार को सता रहा है सत्ता विरोधी लहर का डर। 22 विधायकों को कटा टिकट। पार्टी ने मौजूदा 49 विधायकों पर ही जताया दोबारा भरोसा, बाकी विधायकों को दिखाया बाहर का रास्ता। सीएम बघेल के करीबियों को मिला टिकट। 71 विधायकों में से 22 के टिकट कटने से शुरू हो गई बगावत। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की प्रमुख पार्टियां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तीसरी सूची बीते रविवार को जारी की। कांग्रेस की तीसरी सूची में 7 नामों का ऐलान किया गया है। 4 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 4 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। इससे पहले 30 प्रत्याशियों की पहली सूची में 8 विधायकों के टिकट काटे गए थे। दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था, जिसमें से 10 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। अब 7 प्रत्याशियों की तीसरी सूची में फिर 4 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इस तरह राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने मौजूदा 22 विधायकों के टिकट काटे हैं। कसडोल से वर्तमान विधायक शकुंतला साहू का टिकट काट दिया गया है। शकुंतला साहू की जगह संदीप साहू को टिकट दिया गया है। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को दोबारा टिकट दिया गया है। जुनेजा के टिकट कटने को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही थीं। फिलहाल जुनेजा डेंजर जोन से बाहर हैं। दरअसल जुनेजा को राहत इस बात की मिली है कि सीएम बघेल के करीबी होने के चलते उनकी सीट पर कैची नहीं चलाई गई है। सीएम भूपेश के करीबी होने से इस बार उनका टिकट बच गया है। वहीं जुनेजा को दोबारा टिकट मिलने से रायपुर के सिंधी समाज में नाराजगी भी देखने को मिलने लगी है। वहीं महासमुंद और सरायपाली सीट से पहली बार महिलाओं को मौका दिया गया है। महासमुंद से विधायक विनोद चंद्राकर का टिकट काट दिया गया है। चंद्राकर की जगह कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर और सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मत लाल नंद की जगह चातुरी नंद को उम्मीदवार बनाया गया है। सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी दुर्ग भी इस लहर में खुद को नहीं बचा सके। कांग्रेस हाईकमान ने उनका भी पत्ता साफ कर दिया है। उनकी जगह अंबिका मरकाम को टिकट दिया गया है। तीसरी सूची में नए चेहरों में 2 महिलाओं को मौका दिया गया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में भी सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की चली है। उनकी टीम के विधायकों और करीबियों समर्थकों को टिकट मिला है। माना जा रहा है कि भूपेश सरकार को कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम बेसी का डर सता रहा था। इन सीटों पर कांग्रेस को हारने का डर सता रहा था। दूसरी ओर कांग्रेस के सर्वे में 4 विधायकों की रिपोर्ट अच्छे नहीं थे। कांग्रेस की तीसरी सूची में 7 सीटों में से एक एक सीट अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 5 सामान्य सीटों में से 3 पर अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस की तीसरी सूची में 1 मौजूदा विधायक सहित 4 महिला उम्मीदवार को मौका दिया गया है। इस लिस्ट में 2 नए चेहरों को मौका दिया गया है। अंबिका मरकार 2013 में चुनाव लड़ी थी लेकिन वो हार गई थी। पार्टी ने ओमकार साहू को धमतरी सीट से मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक जिन मौजूदा 22 विधायकों के टिकट काटे हैं, उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं थे। 22 विधानसभा सीटों पर प्रदेश कांग्रेस को हार का डर था, इसलिए प्रदेश के सियासत में पहली बार 22 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। भूपेश सरकार ने 71 विधायकों में से 22 का टिकट काट कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। केवल मौजूदा 49 विधायकों पर ही पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है।